बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं आज शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चे और बड़े इसको बहुत शौक से खाते हैं। और आपको पता है शिमला मिर्च के कितने ज़्यादा फ़वाद हैं, यानी कि शिमला मिर्च जो है वो विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स, बहुत सी चीज़ों का ये खजाना होती है। सेहत बख्श गिज़ा है ये, और कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है और हमारे दिल के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है, दिल को ताकतवर करती है। और विटामिन ए बी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिगर की बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचाती है। लोग समझते ही नहीं है, लोग समझते हैं कि बस ये मिर्च से है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकत की होती है, दिमाग को बहुत ताकत देती है, असाबी हमारे निज़ाम को जो है ये कंट्रोल करती है बहुत ज़्यादा। बालों के लिए अच्छी है, आँखों के लिए अच्छी है, मोतिया के लिए बहुत अच्छी है। सिर्फ ये नहीं कि आप चाइनीज़ खानों में या किसी और में इसको डाल लें, वैसे भी आप इसका इस्तेमाल, जब आपको इसकी सारी खूबियाँ पता चल जाएंगी तो आप इसको रोज़ इस्तेमाल करेंगे, इतने ज़्यादा फ़वाद हैं इसके। तो चले फिर हम ज़बरदस्ती ये शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमने जो है कढ़ाई में 4 टेबल स्पून जो है सरसों का ऑयल डाल दिया है और इसमें एक जो है दरमियाने साइज की प्याज जो है चॉप करके डाल दी है। अच्छा, प्याज जल्दी फ्राई करने के लिए ऐसा क्या करें कि आप लोग जो है ना क्वार्टर जो है इसमें नमक का जो है डाल दिया करें, फिर थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया करें, उससे जो है प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। लेकिन याद रखा करें कि हमने थोड़ा नमक डाला हुआ, ऐसा ना हो कि आप फिर खाने में नमक टेस्ट कर दें। मैं तो वैसे याद रखती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएगी। और साथ ही इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे बिस्मिल्लाह की बरकत से। अभी हमारी प्याज जो है ये फ्राई हो रही है। तो देखिए हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है, हो चुकी है तकरीबन। अब इसमें जो है 2 टेबल स्पून फ्रेश जो है ये हम लहसुन अदरक डाल देंगे। आप लोग भी जो है फ्रेश ही डाला करें, कूट कर डालते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है। जो कूटने वाला आता है उसके अंदर कूट लेते हैं हम, और बहुत ज़बरदस्त हमारा ये फ्लेवर इसका लहसुन अदरक का बनता है। लहसुन अदरक हमें खास तौर से लहसुन हमें बड़ी बड़ी दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदे की हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें ये बचाते हैं। और जो है हम इसमें 1/2 टेबल स्पून थोड़ा सा ज़्यादा पिसा हुआ धनिया डालेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत से, और 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें कूटी लाल मिर्च डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत से। ज़बरदस्त जो है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी हमारी बन गई है। थोड़ा इसको भून लेंगे और इसके साथ हम आलू, और आलू के साथ हम 7 से 8 जो है कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पत्ते से बहुत ज़बरदस्त मज़ा जो है खाने में आता है, और हमारे यहाँ तो कड़ी पत्ते का दरख्त है, पेड़ जो होता है इसका बहुत बड़ा नहीं होता है, दरमियाना होता है, तो हम तोड़ लेते हैं और आराम से जो है सुखा के रख लेते हैं या वैसे ही ताज़ा भी डाल देते हैं। तो जो है इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे पहले आलूओं को, ताकि आलू थोड़ा गल जाए। तो मैं ये कह रही थी कि अगर किसी की आँखों में खुदा ना करे तकलीफ़ है, या कोई वैसे ही आँखों की वजह से परेशान है, या फिर हम तो बचपन से जैसे हमारे मम्मी जो थी वो ये करती थी कि 11-11 दफ़ा या नूरो या बसीरो पढ़ के दोनों आँखों पर जो है दम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11-11 दफ़ा या नूरो या बसीरो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आँख की हर तकलीफ से दूर रहेंगे। उस वक्त तो इतना वो नहीं होता था, बाद में वाकई पता चला कि अब हम भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि अच्छी बातें हैं वो तो बतानी चाहिए, और यही बातें काम आती हैं, अल्लाह के जिक्र से ही सब कुछ है समझें। दुनिया में क्या हर तरफ परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, लेकिन एक अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से, कोरोना से कौन हमें निकाल रहा है? हमारा रब ही तो है जो हमें हर तकलीफ़ से और हर मुसीबत से बचा रहा है। उससे मांग के तो देखें कैसे हमारी हर दुआ पूरी करता है। कभी नाउमीद होना ही नहीं चाहिए, इतना पक्का यकीन रखें अल्लाह पे कि बस, और देखें कैसे आपकी दुआएं जो हैं कबूल होती हैं। तो हम 2 मिनट आलू को भून लेते हैं, फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो देखें ज़बरदस्त हमारे ये आलू जो हैं 2 से 3 मिनट उनको हमने भून लिया। अब इसमें हम 3 जो हैं हमने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और उसको
छोटा छोटा काट लिया, बिस्मिल्लाह की बरकत से वो डाल देंगे इसमें। हमारे घर में हर तरह के जानवर हैं, हमारे बेटे को बहुत ज्यादा शौक है। ये मुर्गा है, ये मुर्गा है, मुर्गे हैं, तोते हैं, मुर्गियां हैं, हर तरह के जानवर जो है हमारे बेटे ने पाले में, पूरा चिड़ियाघर बनाया है। लेकिन ये है कि मुर्गे को घर में जरूर रखना चाहिए, इससे जो है रहमतें आती हैं। आपको पता है मुर्गा जो अजान देता है उससे घर में बहुत रहमत बरकत, उसको जो फरिश्ते नजर आते हैं जब वो अजान देता है। तो अभी हम थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसको भूनते हैं और फिर शिमला मिर्च डाल। तो अब जो है 2 से 3 मिनट जो है हमने टमाटर डाल के पका लिया, अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से। तीन हमने दरमियाने साइज की शिमला मिर्च ले ली है और इस तरह से काट के, जैसे भी आपको पसंद है इस तरह काट लीजिएगा, मैंने तो इस तरह से काटा है। बहुत ही ज़्यादा फायदे की ये शिमला मिर्च होती है, इनको अपने सलाद में रोज ही तकरीबन शामिल किया करें, बड़ी बड़ी बीमारियों से ये हमको बचाती हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी, बार बार मैं ये कहती हूँ, कोई सब्जी कोई फ्रूट ऐसा नहीं है कि जो फ़ायदे का ना हो। जब आप सब्जी या फ्रूट घर लेके आया करें तो थोड़ा सा सिरके में डाल के धो लिया करें, उससे जितने बैक्टीरिया होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर, कोई भी जरासीम हो कुछ हो, तो इंशाल्लाह ताला सिरके में डाल के। और बाकी तो अल्लाह का नाम तो हर चीज़ में है ही, उसके नाम के सिवा तो कुछ भी पकाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बचपन से जो इंसान देखता है, हम अपनी वालदा को देखते थे खाना पकाती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी, रोटी पकाती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी। तो हम भी आज यही करते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, अल्लाह करे कि वो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इसी तरह दुरूद पाक पढ़ती रहें और अल्लाह का जिक्र करती रहें। तो मैं अब इसको जो है बंद कर रही हूँ 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा गल जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, ये ज़बरदस्ती हमारी सब्ज़ी जो है शिमला मिर्च और आलू की तैयार हो चुकी है। 10 से 12 मिनट लगे इसके पकने में, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शिमला मिर्च के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ बार बार। तो चलिए फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें, ये ज़बरदस्ती स्पाइसी डिलीशियस सी हमारी जो है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खुशबू इसमें से आ रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।